सभी विद्यार्थियों का जन्मदिन एजुकेशन ग्रुप में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 16 का हमने पशुपालन पढ़ लिया था। इसके पाठ टू के अंतर्गत अपन आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो थी अपनी वन संसाधन, भारत में वन संसाधन के बारे में अपने को चर्चा करनी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में वन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो पारिस्थितिकी व पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अर्थात पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश की कुल भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन 2015 में भारत के केवल 21.34% अर्थात 7,601,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन पाए गए। वनों के अंतर्गत बड़े पौधों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्राकृतिक वनस्पति में पेड़ पौधों सहित झाड़ियों व घास क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत की कुल प्राकृतिक वनस्पति भारत के कुल क्षेत्र का 24% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम में 90% पाया जाता है। अब आगे देखिए, भारत में घटते वन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक कौन कौन से कारक हैं जो भारत में वन घटने का कारण बन रहे हैं। पहला है कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। देखो, कृषि हेतु भूमि की निरंतर मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या करते हैं, हम वनों को काट देते हैं और उस भूमि को अपन विदोहन करने लग जाते हैं। दूसरा है तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण, और तीसरा है घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई। चौथा है अनियंत्रित चराई, अर्थात जानवरों को हम अनियंत्रित तरीके से चराई के लिए ले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि पूर्वोत्तर राज्य व जनजाति क्षेत्रों में, और छठा है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का विकास। सातवां है प्राकृतिक आपदाएं जैसे दावा अग्नि, ये भी कारण है जिसके कारण से वन घटते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा व दावा अग्नि अर्थात आग लग जाना जंगलों में जिसके कारण से। अब आगे देखिए भारत में वनों का वितरण। तो भारत में वनों के वितरण के बारे में अपन देखते हैं कि भारत में वनों का वितरण किस प्रकार से है। पहला है बिंदु उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है मानसूनीय या पतझड़ वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन, चौथा मरुस्थलीय वन, पांचवा पर्वतीय वन, और छठा ज्वारे दलदलीय वन। अर्थात भारत में इस प्रकार के वनों की संख्या अपने को देखने को मिलती है, जिनमें से हम सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते किसे हैं, वे वन जिनमें सदा हमेशा हरे भरे हो, सर्वाधिक वर्षा हो, है ना, और जिनका टेम्परेचर एक औसत समान बना रहे, लगभग 30 डिग्री मैक्सिमम, इससे कम कम रहे, तो वहाँ के वन क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। देखिएगा, वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। भारत में इस प्रकार के वनों के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है भारत के पूर्वोत्तर राज्य, दूसरा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान वाले भाग, और तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब इसके बाद में हम वनों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए वनों की विशेषताएं, तो वनों की विशेषताओं में आपसे क्या कहा गया है, वनों की लंबाई अधिक 40 से 60 सेंटीमीटर तथा शीघ्र बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इनकी लकड़ी कठोर और काले रंग की होती है। सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं अपन, दूसरे वनों की नहीं कर रहे हैं, हाँ। तीसरा है वृक्षों के बीच में झाड़ियों और छोटे पौधों की अधिकता होती है, और एक ही स्थान पर कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। मुख्य वृक्ष मोगनी, नारियल, ताड़, रबड़, सिनकोना, बांस, साल आदि है। और इसके बाद में अपन दूसरा बिंदु लेते हैं, मानसूनी या पतझड़ वन, इनके बारे में अपन अब अध्ययन करते हैं मानसूनी वन के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, मानसूनी वन वे वन होते हैं जो
वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तथा 26 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य इनका टेम्परेचर रहता हो सेल्सियस में। ये वन वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, पतझड़ भी कहते हैं ना। पतझड़ का मौसम आता है ना जिसमें पत्ते गिर जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इस कारण इन्हें पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं, पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं। मानसूनी वनों के भारत में चार प्रमुख क्षेत्र है, हिमालय के नीचे निचले ढलान वाले क्षेत्र, मध्य भारत, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग। अब इनकी विशेषता देखिएगा, जो पतझड़ वन है उनकी, वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरा है, लकड़ी मुलायम होती है, इन वनों के बीच घास उगाती है, इन वनों का अधिक विदोमन हुआ है अर्थात इनको सबसे ज़्यादा काटा जाता है, अर्थात लकड़ी के लिए उपयोग में लिया जाता है। इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, एक तो सागवान है, शीशम है, चंदन है, रोजवुड है, लास है, आंवला है, जामुन है, पीपल है, बरगद है आदि, ये सभी वनस्पति इस प्रकार के अंतर्गत आती है। अब हम अध्ययन करेंगे तीसरा हमारा जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वनों में अपने से क्या कहा गया है, वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तथा औसत तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। भारत में इन वनों के दो प्रमुख क्षेत्र है, एक तो उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भाग, एक तो उत्तर पश्चिमी भारत है और एक दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भाग है। इन वनों की क्या विशेषता होती है, देखिए विद्यार्थियों, इन वनों में जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी, तना खुरदरा होता है, वर्षा की कमी के कारण ऊंचाई भी कम होती है अर्थात इनकी ऊंचाई कम होती है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से, बबूल, खेजड़ा जिसको आपने बूढ़े कौन सा है ना, आम, जामुन, नीम, महुआ, रीटा व कीर आदि इसके महत्वपूर्ण वन है। अब हम अगले बिंदु की तरफ मरुस्थलीय वनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मरुस्थलीय वनों के बारे में देखिएगा, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वनों के अंतर्गत आपसे कहा गया है कि यहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम तथा तापमान 25 से 35 सेंटीमीटर के मध्य, ये वन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं होती है, इन दोनों में वृक्षों की जड़ें लंबी और मोटी होती है, पत्ते छोटे मोटे और कांटेदार तथा तना खुरदरा होता है, वृक्षों की तुलना में झाड़ियों की संख्या अधिक होती है, वृक्ष दूर दूर तथा संख्या में कम होते हैं। मुख्य वृक्ष में है नागपनी, केर, खेर, खेजड़ा, खजूर, बम्बूल, नीम, पीपल आदि, ये महत्वपूर्ण मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए पर्वतीय वन, अगला बिंदु आ रहा है अपना पर्वतीय वन। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ इनको, ध्यान से इतना याद रख लोगे ना वो आपके लिए एग्जाम में बहुत काफ़ी है। पर्वतीय वनों के बारे में आप देखिएगा, देखो पर्वतीय वन है वे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन जो सदा हरे भरे रहते हैं उन्हें पर्वतीय वन कहते हैं। विशेषता है, इन वनों में वृक्षों की पत्तियां घनी व सदाबहार, तना मोटा होता है जिस पर लताएं लिपटी रहती है और नीचे सघन झाड़ियां पाई जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी मुलायम होने के कारण कागज की लुगदी, पैकिंग, प्लाईवुड आदि बनाने में काम आती है। मुख्य वृक्ष है चीड़, सनोवर, देवदार, चेस्टनट आदि। अब हम पढ़ते हैं अगले वनों के बारे में, ज्वारे मेग्रो या दलदलीय वन। तो देखिए ज्वारे मेग्रो दलदलीय वनों के बारे में, देखो विद्यार्थियों, ज्वारे जो मेग्रो वन है, दलदलीय वन है, ये वन मुख्य रूप से नदियों के मुहाने पर कीचड़ व दलदली भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य वृक्ष में है एक तो सुंदरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली, बांस है, ताड़ है, नारियल है, रोजीफोरा आदि, ये महत्वपूर्ण वन है जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या ज्वारे या मैग्रोव वनस्पति भी इनको कहते हैं। ध्यान रखना मैग्रोव वनस्पति इन्हीं को ही कहते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले प्रमुख उपजे, एक तो लकड़ी प्राप्त होगी, शहद प्राप्त होगा, गोंद होगा, प्राकृतिक रेशम, औषधियाँ, रबड़, गोंद, खता, लाख, तेंदू के पत्ते, बीड़ी बनाने में जो उपयोग किया जाता है, ये सब इसके
उपयोग है, उपज है, इनसे वनों से अपने को प्राप्त होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे वनों के लाभ। तो देखिए वनों के लाभ वनों से अपने को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है समझिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का 2% वन संसाधन से प्राप्त होता है। वनों से कितना? 2% वन संसाधन से प्राप्त होती है भारत की राष्ट्रीय आय। वन आधारित उद्योगों के लिए वन कच्चा माल प्रदान करते हैं जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। वन आदिवासियों के निवास स्थल तथा उनकी आजीविका के मुख्य संसाधन है। वनों के उपयोग से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। जिनसे महत्वपूर्ण वन है, रोहिड़ा से फर्नीचर बनाते हैं, उपयोगी फर्नीचर, उपयोगी जो रेल के फर्नीचर होते हैं या रेल की पटरियों पे या कृषि उपकरण, इन सबका उपयोग किया जाता है। साथ ही रेल के डिब्बे आदि बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। वन्य जीव के भोजन प्रदाता आश्रयदाता होते हैं। वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं। अब वन संरक्षण के नियम के बारे में अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण क्षेत्र निरंतर कम होते जा रहे हैं, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। अशोक का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अशोका का जो पेड़ होता है ना, राष्ट्रीय वृक्ष है। वनों के महत्व को अग्नि पुराण में इस कथन से समझाया गया कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। बिहार के भागलपुर जिले में द्रहरा गांव बेटी और पेड़ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। द्रहरा गांव बेटी संरक्षण और पेड़ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अपने राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर का जो खेजड़ली गांव है वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है वन संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ पर अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब आगे देखिए मत्स्य संसाधन के बारे में समझें। तो इसमें अपने से कहा गया है विद्यार्थियों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं। भारत में 1800 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। 1800 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। भारत विश्व में मछली उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्र केवल 25% भाग पर ही मछलियाँ पकड़ी जाती है। यहाँ कुल मत्स्य उत्पादन का 60% महासागरों से और 40% आंतरिक जलाशयों से प्राप्त होता है। महासागरों से प्राप्त होने वाली कुल मछलियों का 70% पश्चिमी समुद्री तट तथा 30% पूर्वी समुद्री तट से प्राप्त होता है। भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व, तो महत्व के बारे में देखते हैं। इसमें कहा गया है, पहला बिंदु है मत्स्य क्षेत्र देश में 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 11 लाख व्यक्ति रोजगार प्रदान करते हैं मत्स्य क्षेत्र से ही। मत्स्य पालन खाद्य आपूर्ति करने में सहायक है। तीसरा महत्व है इसका, मत्स्य पालन विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और चौथा है, मत्स्य व्यवसाय अन्य सहायक रोजगार जैसे नाव व जाल बनाना का सृजन करता है। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए जिससे मछलियों का पालन सही तरीके से किया जा सके। तो यहाँ पे अपने पास है छिछले समुद्र जो 100 पैदम, छिछले समुद्र 100 पैदम 60 फीट बटे 180 मीटर गहरे छिछले समुद्र तट मछलियों के लिए अनुकूल माना जाता है। अर्थात 60 फीट से और 100 मीटर तक, या तो आप कह सकते हो 600 फीट तक का गहरा हो सकता है या 100 मीटर गहरा हो सकता है, वह सबसे अच्छा माना जाता है मछलियों के लिए। इस गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए मछलियों की वृद्धि व विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। नदियों के मुहाने पर भी मछलियाँ उत्पादन की होती है। नदियों के मुहाने पर प्लैंकटन तथा काई मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं। अतः नदियों के मुहाने पर यह खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण मछलियों के विकास के लिए अनुकूलन की स्थिति बन जाती है। और मछलियां वहां पर भी ज़्यादा प्राप्त होती है जहां पर ठंडी व गर्म जलधारा जो होती है उनके मिलन स्थान पर। इस क्षेत्र में प्लैंकटन
की अधिकता के कारण मछलियों का विकास के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि जहाँ गर्म धारा और ठंडी धारा आकर मिलती है तो वहाँ पर इस तरह की घास का इकट्ठा हो जाना और कुआँ से जैसा वातावरण बन जाता है, इसलिए वहाँ मछलियाँ उत्पादन अत्यधिक होती है। विश्व में सर्वाधिक मछलियाँ इस तरह के जो स्थान हैं, एक तो डागर बैंक है जो उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों पर है, और इसी प्रकार से मेडागास्कर का स्थान है, वहाँ पर भी इस तरह की मछलियों की स्थितियाँ प्राप्त होती है अपने को ठंडी और गर्म जलधाराओं के कारण से। अब आगे देखिए मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र, मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इनमें हैं समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। यह क्षेत्र समुद्र तटीय रेखा से 2 किलोमीटर दूर तक खुले समुद्रों की सीमा तक सीमित है। दूसरा है नदी मुख्य मत्स्य क्षेत्र है, मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र है, मोती मत्स्य क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु के आइस्टर मछलियाँ पकड़ी जाती है यहाँ से, जिनसे बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। जापानी विशेषज्ञों की सहायता से सौराष्ट्र गुजरात तट व आइस्टर कच्चर का विकास कर व्यावसायिक मोती फार्मिंग विस्तार करने की योजना है। और पांचवा है शंख मत्स्य क्षेत्र। समुद्री तटों के दलदली तथा बुलई क्षेत्र में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न शंख मछलियाँ मिलती है। तो इस प्रकार से शंख का भी इसमें अपने को महत्वपूर्ण प्राप्ति होती है। अब आगे देखिए जिसमें अपन कह सकते हैं मत्स्य उत्पादन के लिए कौन कौन क्या उपयोग है या कौन से क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उन क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला बिंदु है विशेष मत्स्य प्रोत्साहन बनाए गए हैं पालन के लिए, आधुनिक बड़ी नौकरी का प्रयोग, शीत भंडार तथा परिष्करण व सुखाने की इकाइयाँ स्थापित की गई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोची, विशाखापट्टनम और वेरावल गुजरात में मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। मछलियों के नए उत्पादों की खोज के लिए बम्बई, बैरकपुर, कोलकाता, मंडपम, तमिलनाडु में अनुसंधानशाला स्थापित की गई है। छठा, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समितियों की स्थापना की गई है। अब भारत में देखो मछलियां पकड़ने के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से, कहां कहां से मछलियां पकड़ी जाती है सर्वाधिक मात्रा में, उनके बारे में देखिएगा। याद रखना यहां से ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए वेरी मोस्ट। इसमें कहा गया है पहला है मंगलूर कर्नाटक से मछलियाँ पकड़ी जाती है, दूसरा है कोची केरल से, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और कोलकाता पश्चिम बंगाल। मत्स्य उत्पादन व व्यापार, भारत मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में पकड़ी जाती है। तो ये अपने एक मत्स्य पालन वाला टॉपिक इस वीडियो के अंतर्गत कम्प्लीट हुआ। विद्यार्थियों में आपको जल संसाधन की वीडियो नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत अपलोड करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा है, 17वां अध्याय, तो इसके करीबन मैं 4 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें से 2 पार्ट ये बन चुके हैं और अब तीसरा पार्ट आएगा, फिर उसके बाद में 4th पार्ट। तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।